नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया का बिना नाम लिए बड़ा हमला किया। उन्होंने सपा पे आरोप लगाया कि सपा को राम का नाम सिर्फ चुनाव के दौरान याद आता है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग और जीएसटी टीम का एक्शन जारी है। कानपुर और कन्नौज के बाद अब वाराणसी में सीजीएसटी की टीम ने गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडे के घर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडे पर टैक्स चोरी का आरोप है। कई घंटों तक छापेमारी करने के बाद सीजीएसटी की टीम वापस दिल्ली लौट गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पांडेपुर में एक गुटखा कारोबारी के यहाँ सीजीएसटी की टीम ने छापा मारा। छापे की जानकारी अभी साफ नहीं है। अधिकारी भी अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि छापेमारी में लाखों की टैक्स चोरी का मामला सामने आ चुका है। हालांकि दिल्ली से छापा मारना पहुंची सीजीएसटी की टीम ने गुटखा कारोबारी लक्ष्मीकांत पांडे के घर से कारोबार से जुड़े कुछ कागजात खंगाले हैं और पुराने बिल समेत कई कागज टीम अपने साथ ले गई। टीम को टैक्स हेराफेरी की आशंका जताई जा रही है। गुटखा कारोबारी के यहाँ से नकदी की बरामदगी हुई है या नहीं, इस बारे में टीम ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। दरअसल ये मामला पांडेपुर स्थित प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी का है। बताया जा रहा है कि जिस कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है वो एक निजी स्कूल के संचालन की फ्रेंचाइजी में भी शामिल है। गुटखे की आपूर्ति प्रदेश के कई जिलों में होती है। गुटखे की फैक्ट्री प्रेमचंद्र नगर कॉलोनी में भी शामिल है। इसके अलावा सोईपुर प्रेमचंद कॉलोनी को भी गोदाम है। उधर गुटखा कारोबारी के यहाँ सीजीएसटी की छापेमारी से बाकी कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दे कि उत्तर प्रदेश में पीयूष जैन से शुरू हुए छापों का सिलसिला अब तक जारी है। सबसे पहले आयकर विभाग की टीम ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापा मारा था और 197 करोड़ रुपए नगद और 23 किलो सोना बरामद किया था। इसके बाद पुष्पराज जैन समेत कई और बड़े इत्र कारोबारी पर छापे मारे गए। इतना ही नहीं, आगरा में जूता कारोबारियों पर भी आईटी ने शिकंजा कसा है और बीते कई दिनों से अब भी छापेमारी जारी है। जी हाँ, तो देखा आपने कैसे सीएम योगी ने सपा पर सवाल उठाए। लेकिन ये बात भी सही है कि यही विपक्ष है जिसकी सरकार इतने साल रही, उस सरकार ने राम मंदिर के लिए क्या फैसला लिया। भगवान राम इतने साल टेंट में रहे, सपा की सरकार ने आखिर कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लिया। अब भगवान राम का साथ एकदम से उनको चुनाव में आखिर क्यों चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।